नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिंग क्लासेस में। दोस्तों आज हम रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है दोस्तों पासा। पासा मतलब दोस्तों डाइस। इंपॉर्टेंट दोस्तों इसलिए है क्योंकि अगर आप कंपटीशन का कोई भी एग्जाम दें तो उसमें यहाँ से क्वेश्चन एक बनता ही बनता है, चाहे SSC हो, रेलवे हो या फिर स्टेट लेवल का कोई एग्जाम हो, वहाँ दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट वीडियो इसलिए का है क्योंकि बहुत ही बारीक तरीके से मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ, एक एक पॉइंट बताऊँगा और स्टार्टिंग से बता दूँगा चलूँगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डाइस होता क्या है, पासा। ठीक है, ठीक, सिंपल सा मैं यहाँ पर डाइस बनाऊँगा, उससे हमको समझना है मेरे भाई। ठीक है, इसमें केवल आपको एक चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है कि इसके जो फलक होते हैं, फलक मतलब दोस्तों साइड्स, ठीक है, साइड्स जो होते हैं वो 6 होते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको इसके किनारे पढ़ने के लिए किनारे जो होते हैं उनको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप डाइस पढ़ रहे हो ना कि घन और घनाभ पढ़ते हो तब जाके आपको इसके किनारों की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज केवल आप डाइस के क्वेश्चन करने वाले हो तो केवल फलक की जरूरत पड़ेगी क्योंकि इसके फलक कितने होते हैं, 3, जो कि सामने 3 हैं और इनके पीछे भी कितने होंगे, यहाँ पे दोस्तों 3 होंगे, एक इसके पीछे होगा, एक इसके पीछे होगा, एक इसके पीछे होगा। 3 फलक यहाँ पे अधिकतर हमें दिखाई दे सकते हैं, अधिकतम जो दिखाई देते हैं फलक वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। पहली चीज़ यहाँ से कंप्लीट हो जाती है। दूसरी चीज़ दोस्तों, पासा 2 प्रकार के होंगे या 3 प्रकार के होंगे ये हमें समझना होगा। ठीक है, देखिए तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि भैया जो डाइस होते हैं ना वो होते हैं दो प्रकार के। एक तो होता है मेरे भैया साधारण पासा जिसे बोला जाता है सिंपल डाइस। ठीक है, एक होता है दोस्तों मानक पासा। कौन सा होता है? मानक पासा, जिसे बोला जाता है स्टैंडर्ड डाइस। ठीक, एक होता है साधारण पासा, एक होता है दोस्तों मानक पासा। दोनों में अंतर क्या है इसको भी हम समझ लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए, जिसके निकटवर्ती 2 फलकों का योग 7 हो। ठीक है, इसको भी लिखते हैं, जिसके विपरीत 2 फलकों का योग 7 हो तथा निकटवर्ती 2 फलकों का योग 7 ना हो। देखिए दोस्तों, डेफिनेशन से ज़्यादा आपको समझ में नहीं आएगा, अब मैं आपको यहाँ पे फिगर बना के बताता हूँ डाइस का, इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसे इन्हें समझना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बनता ही बनता है। देखिए, एक डाइस मैंने बनाया, ये एक डाइस बनाया दोस्तों मैंने इसके लिए, ठीक है। देखिए, इसने कहा है कि निकटवर्ती 2 फलकों का योग 7 हो, मतलब बगल वाले 2 फलकों को अगर जोड़ा जाए तो टोटल उनका कितना हो जाए, 7 हो जाए। ध्यान से देखना कि भैया मैंने कहा कि भैया 2, मैंने कहा कि 5, मैंने कहा कि 1, ठीक है। यहाँ कहा है कि विपरीत फलकों का योग 7 हो, विपरीत तो हम देख नहीं सकते क्योंकि सामने वाला जो है इसके पीछे वाला तो हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हम इससे समझ लेते हैं कि निकटवर्ती 2 फलकों का योग 7 ना हो। मैंने लिखा यहाँ 5, यहाँ लिखा 6 और यहाँ लिखा मैंने भैया 4। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अगर सामने से हमने देखा हमको लगा भैया इन दोनों को मिला के 7 हो रहा है, नहीं हो रहा, इन दोनों को मिला के 7 हो रहा है, नहीं हो रहा, भाई 1 और 5 6 हो रहे हैं तो, और 1 3 हो रहे हैं, लेकिन 2 और 5 7 हो रहे हैं। इसका मतलब जो सामने से हमें 2 फलक दिखाई दे रहे हैं उनका अगर दोनों का मिलाकर टोटल 7 है तो वो कौन सा कहलाएगा, साधारण पासा।
और ये पासा कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा, इसके दो विपरीत फलकों का योग साथ हो तो विपरीत तो हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हम यहाँ से अंदाजा लगा लेंगे मेरे भैया कि यहाँ पर दो फलक जो निकटवर्ती हैं उनका योग साथ ना हो। देखिए, 5 और 6 11 हो रहे हैं, 6 और 4 10 हो रहे हैं, 5 और 4 9 हो रहे हैं, लेकिन दोनों मिला के क्या 7 नहीं हो रहे। इसका मतलब ये कौन सा पासा है? स्टैंडर्ड डाइस है आपका। अब देखिए दोस्तों, जो हम लूडो खेलते हैं ना, वो डाइस होता है ये वाला, ना कि ये वाला। एक बात यहाँ से क्लियर हो जाती है। अब दोस्तों हम क्वेश्चन करेंगे और समझेंगे कि आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो कैसे इन दोनों से आप क्वेश्चन को, इन दोनों के क्वेश्चन को आप कैसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले दोस्तों आपका काम ये है कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं और एक एक करके समझेंगे कि एक डाइस दे रखा है तो कैसे सॉल्व करना है, दो डाइस दे रखे हैं तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैं दो क्वेश्चन आपको कराता हूं, यहां से देखिएगा ध्यान से कि भैया एक क्वेश्चन तो यहां हो गया और एक क्वेश्चन हो गया मेरे भैया यहाँ, और दोनों में दो डाइस मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है। दो डाइस दोस्तों मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ। फलक जो है आपको केवल दोस्तों 3 ही यहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है। यहाँ से ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा भैया यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भैया 2 है। मैंने कहा भैया यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। इस पासे में पूछा गया भैया कि 2 के विपरीत बताइए। क्या पूछा गया? 2 के विपरीत बताइए, ठीक है। इस डैस में पूछा गया मेरे भैया कि 6 के विपरीत बताइए, बताइए, ठीक है। ध्यान से देखना, केवल दोस्तों जब आपको एक डाइस दे रखा है और डायरेक्टली आपसे पूछा गया कि 2 के विपरीत बताइए, 6 के विपरीत बताइए, तो आपको क्या करना है? एक ही क्वेश्चन में दो डाइस नहीं है, केवल ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, 7 इसलिए लिखा है क्योंकि आप समझ सकें। देखिए ध्यान से करना क्या है आपको, सबसे पहले जब एक डाइस आता है तो आपको चेक करना है ये साधारण पासा या मानक पासा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ से देखना है आपको कि भैया 1 और 4 5 हो रहे हैं, 1 और 2 3 हो रहे हैं, 4 और 2 6 हो रहे हैं, मतलब दोनों मिला के 7 नहीं हो रहे हैं। और जब सामने वाले जो हमें दिखाई दे रहे हैं टोटल 7 नहीं हो रहे हैं तो वो कौन सा पासा हो जाएगा भैया? मानक पासा, मतलब स्टैंडर्ड डाइस। और स्टैंडर्ड डाइस का रूल क्या कहता है कि सामने वाला जो है ना, इसके पीछे वाला इतना होना चाहिए कि दोनों मिला के 7 हो जाए। अब देखिए, 2 के विपरीत क्या होगा? तो 2 में कितना मिलाया जाए कि 7 हो जाए भैया? 5 मिलाए जाएंगे तभी तो 7 होंगे, तो 2 के विपरीत कितना हो जाएगा? 5। आपसे इसी क्वेश्चन में पूछ लेता मेरे भैया 4 के विपरीत बताइए, तो 4 में कितना मिलाया जाए 7 हो जाए? 3 मिलाया जाए 7 हो जाएगा, तो 4 का विपरीत 3 हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछता भैया 1 के विपरीत बताइए, तो 1 में कितना मिलाया जाए भैया कि 7 हो जाए? 6 मिलाया जाएगा तभी तो 7 होगा। ये बात यहाँ से क्लियर हो जाती है। अब देखते हैं दोस्तों ये कौन सा पासा है, ध्यान से देखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, 1 और 3 4, 6 और 3 9, 6 और 1 7, 7 हो रहे हैं, सामने वाले दिखाई दे रहे हैं वो 7 हो रहे हैं मिला के, तो कौन सा पासा है भैया? साधारण पासा। और साधारण पासे में बड़ी कन्फ्यूजन रहती है, कैसे? ध्यान से देखिए, मैंने कहा 6 के विपरीत, तो 6 के विपरीत कुछ भी यहाँ हो सकता है। आपको आंसर क्या देना होगा कि भैया 6 फलक होते हैं, 6 फलक जो होते हैं वो होते हैं कितने? एक होता है 1 2 3 4 5 6, ये होते हैं 6 फलक होते हैं ये, ठीक है। इसमें से ध्यान से देखिए, हमें 1 दिखाई दे रहा है, हमें 6 दिखाई दे रहा है और हमें 3 दिखाई दे रहा है, बचे कितने? 2 4 5। तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा या तो 2 या 4 या 5, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता, आप कहेंगे कि सर अगर पूछ लेता 3 के विपरीत क्या है, तब भी आपके आंसर यही होते 2 4 या 5। 1 के विपरीत पूछ लेता तब भी आपके आंसर होते 2 4 या 5, क्योंकि यहाँ पे कंफर्म नहीं होता कौन सा किसके पीछे है। इस वजह से अगर मानक पासा में कोई क्वेश्चन आता है और एक ही डाइस आपको दे रखा है, तो सबसे पहले आपको काम होगा कि आपको ये चेक करना है कि मानक पासा या साधारण पासा है। मैंने आपको बता दिया कि कैसे चेक किया जाता है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि अगर मानक पासा है तो जो आपसे पूछा गया उसके विपरीत
देख लेना कितना हो जाए कि 7 हो जाए। जैसे 2 के विपरीत तो 2 में कितना मिलाया जाए कि 7 हो जाए, 5 मिलाया तो 5 ही उसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, मतलब 2 का विपरीत 5 होगा। साधारण भाषा में कन्फर्म नहीं होता तो जो 3 साइड आपको दिखाई दे रही है उससे बची हुई 3 साइड आपका आंसर होगी, चाहे आपसे 6 के विपरीत पूछा हो, चाहे आपके 3 से विपरीत पूछा हो, चाहे आपसे 1 के विपरीत पूछा हो। तो यहाँ तक एक पासे वाले क्वेश्चन की बात यहाँ क्लियर हो जाती है। अब हम चलते हैं दोस्तों आगे, जहाँ आपसे 2 डाइस पूछे जाएंगे, दिए होंगे और आपसे पूछा जाएगा इसके विपरीत बताइए। और जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, अपने मन से कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे यहाँ पे, केवल वही क्वेश्चन करेंगे जो आपसे एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अब बढ़ते हैं आगे, देखिए दोस्तों ध्यान से क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2009 में पूछा गया है क्वेश्चन है, जो कि आपको स्क्रीन पर यहाँ दिखाई देगा। निम्न में से एक पासे की 2 स्थितियों को दर्शाया गया है, जिन्हें देखकर बताइए कि 3 के विपरीत क्या होगा। जिन्हें देखकर आपको बताना है मेरे भैया 3 के विपरीत क्या होगा। तो 2 डाइस दे रखे हैं यहाँ पे, साइड में आपको क्वेश्चन भी दिखाई दे रहा होगा। मैं 2 डाइस यहाँ पे बना देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन मुझे नहीं दिखाई दे रहा, केवल आपको स्क्रीन पर यहाँ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ से देखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिससे आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ दे रखा है भैया 2, यहाँ दे रखा है भैया 3, यहाँ दे रखा है मेरे भैया 5। ठीक है, ये डैश है ए, यहाँ दे रखा है 6, यहाँ दे रखा है 1, यहाँ दे रखा है 2, ये डैश है बी। और आपसे पूछा गया है भैया 3 के विपरीत बताइए, किसके 3 के विपरीत बताइए। अब ध्यान से समझना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको मैं इसमें बताने वाला हूँ। अगर ये मानक पासा होता, चाहे 2 हो चाहे 3 दे रखे हो, तो आपसे पूछा जाता 3, तो आप फटाक सी ने बता देते भैया 3 के विपरीत 4 होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ हम देखें तो साधारण पासा है, ये दोनों मिला के 7 हो रहे हैं, ये दोनों मिला के 7 हो रहे हैं, इसका अंदर साधारण पासा है। तो साधारण पासा में हमें कन्फर्म नहीं होता कि कौन सा विपरीत होगा, लेकिन वो कन्फर्म नहीं होता केवल एक पासे में। यहाँ 2 दे रखे हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा मेरे भाई कि किसके विपरीत क्या है। ठीक है, तो अगर मानक पासा में 2 दे रखे हो, 3 दे रखो, तो आप डायरेक्टली आंसर बता सकते हैं, कोई तुलना करने की आपको जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए दोस्तों, एक पासा दे रखा है मेरे भैया ए, कौन सा दे रखा है ए, एक दे रखा है मेरे भैया बी। यहाँ से देखिए कैसे करना है, यहाँ से सबसे पहले आपको करना है कि दोनों में देखना है मेरे भैया कॉमन, दोनों में देखना है क्या कॉमन। यहाँ से देखिए 2 मैच हो रहा है दोनों में, हाँ 3 हो रहा है नहीं हो रहा, 5 हो रहा है नहीं हो रहा, 2 मैच हो रहा है इसमें भी इसमें भी, तो 2-2 यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, तो पहले पासे में 2 है, यहाँ 2 यहाँ पे, अब हम तो हमको क्या करना है, क्लॉकवाइज यूं करके घुमाना है, यूं करके, तो 2 के बाद मेरे भैया 5। ठीक है, 5 के बाद मेरे भैया 3, तो यहाँ लिख दिया। ठीक है, यहाँ से ध्यान से देखिएगा दूसरा, 2 के बाद यहाँ क्या दे रखा है मेरे भैया 1, इस तरीके से घुमा रहे हैं। ठीक है, और 1 के बाद क्या दे रखा है मेरे भैया 6, इस तरीके से घुमा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, आपसे पूछा गया 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत क्या आया 6, 6 के विपरीत 3, तो आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पे पहली बात तो कितना आ जाएगा 6। ठीक है, आपसे पूछा जाता 1 के विपरीत तो 5, 5 के विपरीत 1, 2 के विपरीत 2 तो नहीं होगा। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि भैया 1 से लेकर 6 तक गिनतियाँ होती हैं, देखिए ध्यान से 1 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक होती है। ठीक है, तो यहाँ कौन सा नंबर है जो नहीं आ रहा, 4 नहीं आ रहा है, 4 है बाकी सब है ना, तो इसका मतलब 2 का विपरीत क्या होगा 4 होगा, जो कि यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है वही इन दोनों के क्या होगा विपरीत होगा, क्योंकि दोनों एक ही नंबर है। ऐसा मत करना कि आपको 2 के विपरीत 2 ही है। ठीक है, तो ये 2 पासा वाला एक क्वेश्चन हो गया। अब 2 पासा वाला ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें कि आपको कलर दिए होते हैं। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ, रंग वाले में कन्फ्यूजन आती है इस वजह से रंग वाला भी एक क्वेश्चन करते हैं, नीला पीला हरा गुलाब इस तरीके से आपसे पूछा जाए तो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन आपका SBI क्लर्क 2008 में पूछा गया है कि निम्नलिखित पासे की एक पासे के निम्नलिखित 2 भिन्न आकृतियों को पता लगाइए कि लाल के सामने कौन सा रंग होगा, लाल के सामने मतलब विपरीत कौन सा रंग होगा। तो यहाँ से 2 पासे हम बनाते हैं मेरे भाई पहले, जो कि आपसे पूछे गए हैं, थोड़ा टेढ़ा बन जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आना चाहिए। ठीक है, समझ में दोस्तों क्या आना चाहिए, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो समझ में आना चाहिए मेरे भाई।
ठीक है, वो आपको समझ में यहाँ आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो कलर दे रखे हैं वो दे रखा है मेरे भाई पीला सफ़ेद लाल। क्या दे रखा है भैया? पीला सफ़ेद और लाल। ठीक है, और यहाँ दे रखा है मेरे भैया पीला काला सफ़ेद, पीला काला सफ़ेद। ठीक है, अब ध्यान से देखना है आपको कि भैया एक पासा ये हो गया ए और एक हो गया मेरे भैया बी। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि लाल के सामने कौन सा हो, लाल के सामने आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपको क्वेश्चन पूरा यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, इसको ध्यान से समझना है। देखिए यहाँ से मैचिंग देखेंगे, पीला मिल रहा है, लाल मिल रहा है, नहीं मिल रहा, सफ़ेद मिल रहा है। जब दो आपके मिल रहे हों, ठीक है, तो बाकी बचा हुआ होगा ना वो उसका अपोजिट होगा। देखिए लाल, लाल नहीं मैच हो रहा और यहाँ दे रखा है काला, तो लाल का अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे भाई? काला यहाँ हो जाएगा। केवल आपको इतना ध्यान रखना है, अगर एक मैच होता और फिर आपको लिखकर उसे देना होता कि कितने रंग यहाँ टोटल दे रखे, छः। ठीक है, तो यहाँ पर छः कलर तो नहीं है, दो दो तीन, एक इसमें एक्स्ट्रा है, एक इसमें एक्स्ट्रा। ठीक है भाई, कितने कलर दे रखे? चार दे रखे ना, तो दो हमारे पास नहीं है। अब वो दो कोई से हो सकते थे, इसलिए उसने क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि भैया दो तो पीला और सफ़ेद मैच हो रहा है, पीला सफ़ेद मैच हो रहा है, लाल तो काले की विपरीत हो जाए, काला लाल की विपरीत हो जाए। ठीक है, ये बात यहाँ से क्लियर हो जाती है। ठीक है, अब देखिए कि जब आपसे पूछा जाए मेरे भैया कि अगर डाइस की संख्या यहाँ पर बढ़ा दी जाए, ठीक है, डाइस की संख्या क्या कर दी जाए मेरे भैया? बढ़ा दी जाए और तीन डाइस कर दिया जाए। ठीक है, कितने डाइस दे दिए जाए मेरे भैया? तीन डाइस दे दिए जाएँ, तब आपको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको साथ ही साथ यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, डाइस कितने दे रखे हो मेरे भैया? तीन दे रखो, थोड़े जो फिगर हैं वो टेढ़े मेढ़े बन रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, यहाँ से देखिए ये डाइस है, यहाँ दे रखा दो एक तीन, यहाँ दे रखा है तीन एक पाँच, यहाँ दे रखा है चार दो तीन। ठीक है, आपसे पूछा गया है मेरे भैया तीन के विपरीत क्या होगा? ये आर आर वी। ठीक है, तीन के विपरीत, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये डाइस है ए, ये है बी और ये है दोस्तों सी। अब दोस्तों ध्यान से समझना, आपको क्या करना है, पहली बात तो ये देखना है तीन, फिर दोनों डाइस में देखना है कि एक कॉमन वाले डाइस आपको उठाने हैं, ए बी सी। ऐसा नहीं देखिए ध्यान से, एक और दो इसमें है और तीन है, एक और तीन इसमें भी है। ठीक है, दो और तीन इसमें भी है और दो और तीन इसमें, मतलब दो दो सभी में मैच हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ से इसमें भी दोनों में दो मैच हो रहे हैं, इसको लें तो दो मैच हो रहे हैं, लेकिन आपको केवल ऐसा डाइस लेना है जिसमें केवल एक ही वैल्यू मैच हो रही हो, मतलब एक ही वैल्यू क्या हो रही हो, मैच हो रही हो। यहाँ से ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हम अगर देखें तो यहाँ से देखिए, इन दोनों को अगर लें, बी और सी को लें, बी और सी अगर डाइस को लें तो हमें पता लगा दोनों में कॉमन क्या है। कॉमन क्या, देखिए तीन एक पाँच, दो चार तीन, मतलब तीन कॉमन है, तो हम इन दोनों को लेंगे ना कि इसको। केवल आपको इतना चेक करना, देखिए अगर दो मैच हो रही, दो कॉमन वाले लेते हैं तो कन्फ्यूजन बढ़ जाएगी और लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। आपको क्या करना है, केवल वो देखना है जिसमें एक कॉमन हो, केवल एक कॉमन कौन सा है, दोनों में तीन है। ठीक है, तो इसमें तीन कॉमन है तो तीन लिख लिया मेरे भैया, इसमें भी तीन कॉमन है तीन लिख लिया। पहले डैश को करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, तीन के बाद पाँच, पाँच के बाद एक, ठीक है, यहाँ से तीन के बाद दो, दो के बाद चार। ठीक है, तो एक का विपरीत हो गया चार, पाँच का विपरीत हो गया दो, तीन का विपरीत क्या हुआ? ऐसा नंबर जो इनमें ना हो, तो एक से लेकर छः तक अगर हम गिनती गिनते तो छः ही नहीं है भाई यहाँ पे। देखिए एक है, दो है, तीन है, चार है, पाँच है, तो तीन के विपरीत तीन तो नहीं होगा, तो बचा हुआ कौन सा? छः। छः क्या आ जाएगा इसका दोस्तों आंसर? यहाँ आ जाएगा ऑप्शन, साथ ही साथ आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको इसे करा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं हम दोस्तों किसका
ओपन डायस अगर आपसे पूछा जाए तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ओपन डायस का क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ध्यान से देखना दोस्तों कि ओपन डायस का क्वेश्चन ये दे रखा है मेरे भाई इस तरीके से, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से देखिए मैंने चित्र बना दिए हैं। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं, आपको करना कुछ नहीं है, केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि एक छोड़कर एक, देखिए ध्यान से ये तीन फलक हो गए इस तरीके से, ये खुले हुए हैं। अगर मैं इसको मोड़ूंगा तो ये और ये एक दूसरे के सामने आ जाएंगे, मतलब ये वाला और ये वाला, इसका मतलब अपोजिट जो होंगे वो एक छोड़कर एक होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ से तो दो के अपोजिट चार होगा, दो के अपोजिट क्या होगा मेरे भैया, चार, ठीक है। और एक छोड़कर एक, तो यहाँ से ये हो गया दो के अपोजिट, और एक के अपोजिट छः हुआ, एक के अपोजिट क्या होगा मेरे भैया, छः, ठीक है। तो पाँच के अपोजिट क्या बचा मेरे भैया, तीन, पाँच के अपोजिट क्या बचा मेरे भैया, तीन बचा। देखिए एक छोड़कर एक अपोजिट होता है, तो दो के अपोजिट चार, एक के अपोजिट छः, तो बचा ये पाँच के अपोजिट तीन हो जाएगा, ठीक है। और जो अपोजिट होते हैं वो एक साथ दिखाई नहीं देंगे, केवल आपको इतना ध्यान रखना है ये ऑप्शन है आपका ए, ये है बी, ये है सी और ये है मेरे भैया डी। केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि जो अपोजिट होते हैं वो एक साथ दिखाई नहीं देते, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए आपको ऐसा डायस आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार पढ़ भी देते हैं कि प्रसार चित्र को मोड़कर विकल्पों में से चार घनों में से कौन सा घन बनाना संभव है, मतलब कौन सा घन बन सकता है, ठीक है। यहाँ से आपको करना कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल तरीका है। देखिए दो और चार जो अपोजिट है, एक और छः अपोजिट है, पाँच और तीन। अब आपको देखना है कि दोनों एक साथ तो दिखाई नहीं दे रहे, ठीक है। यहाँ से देखिए दो और चार कहीं दिखाई दे रहे हैं एक साथ, यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इसमें दिखाई दे रहे हैं, दो और चार एक साथ दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये आंसर आपका नहीं होगा। जहाँ दोनों एक साथ दिखाई दे रहे होंगे वहाँ आंसर नहीं होगा। एक और छः कहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों, एक और छः यहाँ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये भी आंसर आपका नहीं होगा, क्योंकि अपोजिट एक साथ दिखाई नहीं देते हैं। इस वजह से यहाँ से पाँच और तीन कहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये भी आंसर आपका नहीं होगा। बचा कौन सा, ये। अब देखिए दो और चार एक साथ दिखाई दे रहे हैं, इसमें नहीं है, एक और छः दिखाई दे रहे हैं, नहीं है, पाँच और तीन एक साथ दिखाई दे रहे हैं, नहीं है, इसका मतलब कौन सा डायस बनेगा, ऑप्शन नंबर डी आपका डायस बन जाएगा। कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, जो अपोजिट होते हैं वो एक साथ दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों आपका ओपन डायस। और अब दोस्तों एक बात मैं बता दूं, डायस का इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लस दोस्तों मैंने इतना लेंथी वीडियो बनाया, ठीक है, लेकिन आपसे एक भी बार मैंने ये नहीं कहा कि वीडियो को लाइक कीजिए। लास्ट में मैं वीडियो के में कहता हूँ कि दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।